अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है। हाल ही में भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश के नक्शे से कांग्रेस पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। वहीं उनके बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हाफिज ने कहा कि आलोक शर्मा अच्छी तरह से जानते हैं कि उनका भी नक्शे से साफ होना तय था। आगामी अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर वार पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। उपचुनाव को लेकर भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। मध्य प्रदेश के नक्शे में कहीं पर भी कांग्रेस नहीं है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने छिंदवाड़ा को भी जीत लिया है। जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें भी कांग्रेस को करारी हार देखनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि जनता बीजेपी की रीति नीतियों के साथ है। देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। मध्य प्रदेश के नक्शे पे कहीं कांग्रेस नहीं है और मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा भी भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जीती है और इस बार जो उपचुनाव हो रहा है उसमें भी करारी हार कांग्रेस को देखना पड़ेगी। जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ में, पार्टी की नीतियों के साथ में। वहीं आलोक शर्मा के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हफीज ने कहा कि आलोक शर्मा अभी सांसद बनने के खुमार में हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पास 41% वोट है। जनता ने कांग्रेस को एक बड़ी संख्या में वोट दिया है। आलोक शर्मा अगर चुनाव चिन्ह हटा दें और मध्य प्रदेश में जो सांप्रदायिकता का माहौल फैलाया गया था, तो वे खुद भी जानते हैं उनका भी नक्शे से साफ होना तय था। आलोक शर्मा जी अभी शायद सांसद बनने के कुमार में है और वो ये भूल रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास विधानसभा का 41% वोट है। एक बड़ी संख्या में वोट दिया है हमको लोकसभा चुनाव में भी। कई सीट पर बीजेपी की बी टीम जो थी वो एक्टिव होकर बीजेपी को जितवाने का उन्होंने काम किया। और आलोक शर्मा जी भी अगर चुनाव चिन्ह हटा दें और मध्य प्रदेश में जो सांप्रदायिकता का माहौल फैलाया गया था वो नहीं होता, तो वो खुद भी जानते हैं कि जो उनका विधानसभा में नक्शे से साफ होना था वही लोकसभा में भी होता। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।